दर्शक, बहुत पुराना गीत है, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही हैं मुझे। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूँ जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। आज धरती का जन्नत कहीं है तो यही है। जी हाँ, अभी हम उपस्थित हैं स्वामी विवेकानंद पारा मेडिकल कॉलेज सिमुलतल्ला के कैंपस में, जहाँ धरती का स्वर्ग अगर कहें तो कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जो भी प्रकृति प्रेमी है ना, वो प्रकृति के सानिध्य में जाकर अपनी जिंदगी के कुछ पल बिताना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षा मंत्री भी सिमुलतल्ला की धरती पर आए थे, और सिमुलतल्ला का ये खूबसूरत नज़ारा जो स्वामी विवेकानंद पारा मेडिकल कॉलेज का है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ दर्शकों। ना जाने राज्य के कितने राज्यों से यहाँ बच्चे शिक्षा अर्जन के लिए आते हैं। अगर इसको मिनी गुरुकुल भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस तरफ इनका वातावरण बहुत ही सुरम लग रहा है कि हम लोग कहीं खूबसूरत वादियों में, इन घटाओं में लगता है कि कुछ देर ठहर, कहा भी जाता है ना कि सोचता हूँ तेरी जुल्फों में कुछ देर ठहर जाऊं, सोचता हूँ तेरी जुल्फों में कुछ देर ठहर जाऊं, लेकिन कब छोड़ कर चल दोगे ये सोच के घबराऊं, ऐसा कई शायरों ने कहा है। ये खूबसूरत नज़ारा हम अपने सहयोगी से चाहेंगे आपको दिखाएं। ये नहीं लग रहा होगा कि आप मिनी शिमला सिमुलतल्ला में हैं। जिस तरह से यहाँ पारा मेडिकल के कई छात्राएं यहाँ शिक्षा अर्जन करके ना सिर्फ अपना भविष्य गढ़ रहे हैं, बल्कि अपने सपने को साकार भी कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर यूपी गुप्ता भी जुड़ेंगे, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि आखिर किस तरह से बच्चों के सपनों में पंख लगा रहे हैं, और तमाम यहाँ के मेधावी बच्चे पढ़कर अपने सपनों में रंग भर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर यूपी गुप्ता जुड़े। जिस तरह हम लोग कहीं जाते हैं ना, कल कल करती है झरना, ये देखिए खूबसूरत नज़ारा, मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा आपको दिखाएं। ये हॉस्टल, ये बहुत बड़ा कैंपस दर्शकों, कहीं ना कहीं एक तरह से सिमुलतल्ला के लिए, जम्मू जिला के लिए बहुत बड़ी सौगात कही जा सकती है। हमारे साथ गुप्ता जुड़ेंगे, डॉक्टर गुप्ता, मैं उनसे भी जानना चाहिए। देखिए ये एक तरह से, देखिए हाँ, स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा लगी हुई, बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही एकदम स्टेचू, जो कुछ ना कुछ, आप जानते हैं कि मूर्तियाँ कुछ नहीं कहती लेकिन बिना बोले बहुत कुछ कह जाती हैं, बशर्ते लोगों को समझने की भाषा का ज्ञान होना चाहिए। हमारे साथ गुप्ता जुड़ेंगे, मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर गुप्ता से कि क्या कुछ शिक्षा तमाम बच्चे बच्चों को यहाँ मिल रही है। बने रहिएगा हमारे साथ। आपने इसको एक जन्नत का रूप दिया सर, कितने प्रकार की शिक्षा यहाँ दी जाती है बच्चों को? मैं डॉक्टर उमेश प्रसाद गुप्ता यहाँ का सचिव हूँ। यहाँ सिमुलतल्ला में मैं 2006 में आया और 2007 से मैंने कॉलेज शुरू किया। यहाँ शिक्षण प्रशिक्षण का काम, यहाँ बच्चे का स्कूल भी है जो आवासीय भी है, 10+2 तक की पढ़ाई होती है, NIS से भी मेरा अप्लीकेशन मिल चुका है, पारा बिहार सरकार से और आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी से मेरा अप्लीकेशन है, जो पारा मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, BEd कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है, BBA, BCA और जर्नलिज्म भी है। इसके अलावे यहाँ यूनिवर्सिटी भी बन रहा है, बिहार सरकार द्वारा LOI हो चुका है, LOP प्रक्रिया में है, संभवतः इसी वर्ष LOP मिल जाना चाहिए। कितने राज्यों के बच्चे सर यहाँ शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं? यहाँ अभी झारखंड का भी है, कुछ नेपाल के बच्चे हैं, और पूरे बिहार के 3800 जिला के बच्चियाँ, अभी भी करीब 200 लड़कियाँ मिलेगी इसी वक्त कैंपस में होगी, जो कि 10 बजे रात तक कैंपस में घूमते रहती है, 3-4 को नाइट गार्ड भी है। यहाँ GNM की ट्रेनिंग दी जा रही है ना? यहाँ ANM, GNM और BSc नर्सिंग, एम पोस्ट बेसिक नर्सिंग भी है। अच्छा, सर जिस तरह से आपने शिक्षा का अलग जगाया है, क्या सोच के सर इस जंगल में फूल खिलाने का प्रयास किया सर आपने? दरअसल KK पाठक जो अभी अपर मुख्य सचिव है एजुकेशन विभाग का, तो पहले SDO से बाढ़ गए, उनसे हमारी जान पहचान रही पुराना, और पूरे जम्मू जिला का एड्स कंट्रोल का इंचार्ज मैंने ही 2008 में था, 7-8 में इंचार्ज थे पूरे जम्मू जिला का। इसी दरमियान में जब यहाँ आए तो हमको चकाए का, बटिया का जंगल, यहाँ का जो कोठियाँ सब नज़र आया, तो उसमें इच्छा किया कि मैं यहाँ जंगल में ही एक कॉलेज का शुरू करूँ, और उसी वक्त मैंने ये 21 एकड़ 50 जिसमें शुरू था, उसमें मैंने बिल्डिंग बना करके शुरू कर। सर क्या कुछ लगा था सर शुरुआत में, लग रहा कि कैसे जंगल में चलेगा, लेकिन सर धीरे धीरे सफलताएं मिलती गई आपको? नहीं, सबसे पहले तो उस वक़्त की स्थिति बड़ा भयावह था, उस वक़्त थाना में भी जला गया था यहाँ कुछ ऐसे लोगों से। मैंने सबसे पहले जो नक्सली के जो बच्चे जो थे
जो अनाथ हो गए उनको मैंने अडॉप्ट कर लिया, गोद ले लिया। कितने बच्चे को था? करीब 16-17 बच्चे को, लड़का लड़की बहुत सारा पास आउट होकर निकला भी। तो उसको लगा मुख्य धारा से जोड़ दे, और मैंने शुरुआत तो एक यार ऑपरेशन शिविर भी करते थे यहाँ, करीब साल में 2-3 बार मुफ्त ऑपरेशन लगाते थे, दवा दुकान से खरीद के ले आया, सबको मुफ्त ऑपरेशन करते थे, जाड़े के दिन में कम्बल बांटना, ये सब करने से लोगों को निगाह मेरे तरफ गया और जिनकी निगाहें तिरछी भी थे हमारे तरफ सीधे रूप से देखने लगे और लोग हमको मानने लगे और धीरे धीरे और शुरुआत कर दिया। थैंक यू सर।